दिनांक 22/9/2024 दिन रविवार को अखिल भारतीय दांगी संघ झारखंड के तत्वधान में पुराना विधानसभा के सभागार में एक आम सभा हुआ, जिस सभा का अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अनुज कुमार दांगी के अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें दांगी जाति के आगामी चुनाव में सहभागिता कैसे हो इस पर चर्चा किया गया। इस बैठक में झारखंड के विभिन्न जिला तथा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष तथा महासचिव ऑल इंडिया के महासचिव वीरेंद्र दांगी भी उपस्थित हुए। इस बैठक में आगामी 20 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में विशाल आम सभा का आयोजन की घोषणा की गई। उसी मुद्दा पे हम लोगों को बात करना है, क्योंकि काफी जगह से लोग आए हुए हैं, बहुत लोग बस से आए हैं, बहुत लोग ट्रेन से आए हैं, और जैसे जैसे समय होगा अपने लोग भी अनुसरण करके आगे बढ़े हैं। अनेक्सर वन में जो फर्स्ट बार दांगी समाज का इंक्लूजन हुआ, यह रांची झारखंड का ही देन है कि हम लोग अनेक्सर वन में आए और लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। इसी के देखा देखी बिहार प्रदेश के लोग भी वहाँ सरकार से अपनी लड़ाई लड़ी और वो भी काफ़ी सफल रहे। हालांकि वहाँ की संख्या पर जरूर हमारे से ज़्यादा है, और अभी जब अनेक्सर वन में वहाँ के दांगी लोग का इंक्लूजन हुआ, तो आप जब भी रिजल्ट बीपीएससी का आता है, जिस लेवल का एग्जाम होता है, उसमें दांगियों का संख्या बल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो रजिस्टर्ड ऑफिसर में आ रहे हैं। तो ये उपलब्धि खासकर इस समय की है, ये अकेले लड़ने से शायद कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए मैं प्रायः सभी लोगों से यह बराबर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग संघ को बनाए रखें, संघ को कमजोर। सर, अभी दांगी समाज का एक मीटिंग चल रहा है, आप केंद्रीय सचिव हैं, महासचिव हैं, क्या दांगी समाज की इस बार क्या प्लानिंग है? सर, ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ से संबद्ध है अखिल भारतीय दांगी संघ झारखंड के द्वारा यह प्रादेशिक बैठक चल रही है, और इसमें आज सामाजिक विकास की बातें तो होगी ही, लेकिन मेन रूप से मुख्य रूप से ये जो झारखंड विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस पर आज फोकस किया जा रहा है। जहां हम अधिक संख्या में हैं वहां हम चाहेंगे कि अपना प्रत्याशी दें। यदि कोई बड़ी पार्टियां महागठबंधन या एनडीए दोनों में से कोई हमारे समाज को टिकट देता है, प्रत्याशी बनाता है, तो हम लोग उसको और जगह में समर्थन करेंगे, पार्टी से हम लोग वो हम प्रत्याशी बनाएंगे, और इस बार मुस्तैदी से झारखंड में हम प्रत्याशी देकर का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ जहां हम कम संख्या में वहां पर भी जो पार्टी हमको टिकट देगी उसके समर्थन में उनके जो प्रत्याशी होंगे उनको उनके समर्थन में। सर, झारखंड विधानसभा चुनाव में अभी इस बार कहीं चिन्हित किए आप लोग जो कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे? हम 8 जगहों पर चुनाव लड़ने की दिशा स्थिति में है, और वो अन्य जगह उसका लिस्ट अभी जारी होगा। 8 जगह का भी कोई चिन्हित सर नाम है? हाँ, वो लोग अभी तय कर रहे हैं, 8 पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसके अब कुछ जब मीटिंग फाइनल होगा तो उस समय हम लोग इस बैठक तब वो जगह का जिससे कुछ नाम होगा ना, अभी हम लोग फाइनल नहीं करेंगे, अभी जब मीटिंग समाप्त होगी उस समय हम लोग फाइनल कर देंगे। ये है कि कहाँ कहाँ विधानसभा में आप लोग संख्या पलामू में भी हम लड़ेंगे, कहाँ पलामू लड़ेंगे तो अभी नहीं हम बता पाएंगे, अभी हम लोग तय करेंगे फाइनल, क्योंकि मीटिंग में जब तक फाइनल नहीं हो जाता है, अभी चर्चा भले हुई है लेकिन फाइनल जब तक नहीं होता है तब ये करना। फाइनल आप तो कब तक कर पाएगा सर? आप लोग कब तक फाइनल हो पाएगा? जल्दी हम लोग फाइनल करेंगे आज के मीटिंग के बाद, फिर और एक मीटिंग होगी जो कोर कमिटी की मीटिंग होगी, उसमें हम लोग अनाउंस कर देंगे हम लोग सोशल मीडिया में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर
पे हम लोग कर देंगे, अनाउंस कर देंगे। इस बार क्या उम्मीद रखा जाए सर दांगी समाज से? हमारा अच्छे संख्या में हमारा दांगी समाज का भी यहाँ पर प्रत्याशी जीत कर करके आएंगे निश्चित रूप से। सर आज ऑल इंडिया दांगी समाज का मीटिंग है, प्रदेश कमेटी का भी है और जिला कमेटी का, क्या कुछ बड़ा आज निर्णय लेने का प्लानिंग में दांगी समाज है? आज का जो ये मीटिंग है वो दांगी छत्री समाज का जो झारखंड प्रदेश के जो पदाधिकारीगण हैं उन्होंने इसे कॉल किया है और इस मीटिंग में अखिल भारतीय कह सकते हैं ऑल इंडिया लेवल के दांगी क्षत्रिय समाज के जो पदाधिकारीगण हैं वही उपस्थित हैं। इस मीटिंग में खास करके दांगी समाज के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए चर्चा हो रही है, चर्चा किया जा रहा है। पॉलिटिक्स में हम लोग का भागीदारी बहुत ही मिनिमम है, उस भागीदारी को हम लोग कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ें और अपने समाज के जितने भी लोग हैं उनका उत्थान कैसे हो, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मीटिंग। इस समाज में एजुकेशन बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन राजनीति चेतना बहुत कम, ऐसा क्यों? एक्चुअली दांगी समाज में एजुकेशन, आप सही बोल रहे हैं, जो बाहर निकल गए वो उन लोगों ने अपने बाल बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छा पढ़ाई लिखाया और कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। दांगी समाज ने अपना राजनीतिक भागीदारी के लिए कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि दांगी समाज के लोग थोड़ा अखड़ टाइप के होते हैं और अपने में मस्त रहते हैं। जो एक क्षत्रिय लोगों का जो गुण है वो शरीर में भरा हुआ है, तो इसीलिए कौन क्या कहाँ जाए, किसको पॉलिटिक्स में तो बहुत सारे दाव पेच लोग खेलते हैं, लेकिन सारे लोग कह सकते हैं कि अच्छे हृदय वाले होते हैं, स्वच्छ हृदय वाले होते हैं, दाव पेच जानते नहीं राजनीति, इसीलिए राजनीति में पकड़ इनकी उतनी हो नहीं पाई। अभी लोग जाग रहे हैं, अब धीरे दांगी समाज का एक अहम बैठक किया जा रहा है, इस पर क्या चुनाव के लिए कुछ बातें चल रही है? हाँ, रांची दांगी संस्कृति संघ के बैनर तले झारखंड का, पूरे झारखंड प्रदेश का यहाँ कमेटी का बैठक है आज, जिसमें पूरे प्रदेश से, झारखंड प्रदेश से, कुछ बिहार से, कुछ ऑल ओवर इंडिया कमेटी के सदस्य लोग आए हैं और सबका चर्चा यही है कि आगे वाले आने वाले विधानसभा में हम लोग किस तरह से अपना कैंडिडेट, जहां हम लोग का संख्या बल ज़्यादा है वहां हम लोग दें और जहां संख्या बल कम है उस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी के साथ हम लोग जाएं, ये हम लोग रणनीति आज तय करेंगे। झारखंड में कितने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है? हाँ, झारखंड में हम लोग का यहाँ भी संख्या बल है, जैसे डाल्टनगंज, चतरा, हजारीबाग, इस ये 3-4 जगह हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और जगह जो भी पार्टी हम लोग को ये हम लोग को सहयोग करेगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे। आप लोग किसी पार्टी से बातचीत चल रही है? नहीं, अभी तो किसी पार्टी से चुनाव आएगा तो हम लोग बातचीत करेंगे, जो पार्टी हम लोग को प्रोत्साहन देगा उसके, हमारे समाज को जो आगे बढ़ाएगा उसके साथ हम लोग। कहीं से आश्वासन मिला है? अभी तक तो किसी से आश्वासन नहीं मिला, हम लोग किसी से कॉन्टेक्ट भी नहीं किए हैं, अभी हम लोग आपस में ही तय कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति हम लोग को करना है, किस हिसाब से चलना है। अगला दांगी समाज का अगला कदम क्या होगा चुनाव के लेकर? चुनाव के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जहाँ जहाँ भी संख्या बल है लड़ेंगे और बहुत अच्छे तरह से लड़ेंगे और जहाँ भी हम लोग को यह है, हम लोग ये जरूर रखते हैं कि अगर कोई विधानसभा ऐसा है जहाँ अगर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं लेकिन वहाँ किसी को हम जिता सकते हैं अपने वोट एक मत देकर, तो हम लोग कोशिश करेंगे यही कि आगे कैसा काम करें। अपना पर्चे मैं
रांची जिला दांगी सांस्कृतिक विकास संघ का उपाध्यक्ष संजय कुमार मेरा नाम है।